हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मल्टी सुपर टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वोको ऐप के बारे में कि वोको ऐप है क्या और आप उसे कैसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं बता दूं, वोको ऐप एक शॉर्ट वीडियो ऐप है जिसमें आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले से बना रखी कि शॉर्ट वीडियो कैसे बनाते हैं उस ऐप के अंदर और आप उसे कैसे अपलोड कर सकते हो और उसमें म्यूजिक कैसे ऐड कर सकते हो, तो इसके बारे में मैंने जानकारी दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वोको ऐप में अपने फोटो का स्टेटस बना के अपलोड कैसे कर सकते हो, प्लस अपना म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट वीडियो ऐप आ चुके हैं जिसके अंदर आप शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हो, प्लस अपने फोटो का स्टेटस भी बना के अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कई सारे ऐसे ऐपों पे वीडियो देखी होगी जो फोटो का स्टेटस रहता है, तो उसमें सॉन्ग भी बजते रहते हैं और आपका फोटो भी रहता है। तो उस तरह के फोटो और आप स्टेटस कैसे बना सकते हो और टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो, तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा वोको ऐप के अंदर कि आप इसको टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो, प्लस आप सॉन्ग भी ऐड कर सकते हो और अपने फोटो का भी वीडियो बना सकते हो और प्लस आप पोस्ट भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, आपके लाइक्स बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे, तो ये भी हो सकता है दोस्तों। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि वोको ऐप के अंदर आप किसी भी फोटो का आप स्टेटस बना सकते हो, प्लस अपने मनपसंद म्यूजिक को भी ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपको करना क्या है, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई जानकारियां देता रहता हूं और नए नए ऐपों के बारे में बताता रहता हूं, और नहीं तो कई सारे ऐपों के बारे में रिव्यू करता रहता हूं और कुछ ऐपों के बारे में अपडेट बताता रहता हूं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आपको करना क्या है दोस्तों, बस आपको एक सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बॉक्स में आपको बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो मैं ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैं दिखाता हूं आपको वोको ऐप के अंदर अपने फोटो का स्टेटस कैसे बना सकते हो और टेम्पलेट यूज कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, जरा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो हम आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पे, उसके बाद आपको ले चलना आपको यहाँ पे, ये देखो मोबाइल स्क्रीन पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे वोको ऐप है, तो वोको ऐप को आपको ओपन करना है। यहाँ पे ये देखो इस तरह का स्क्रीन है, तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, तो ये हमारा वोको ऐप ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, आपको सिंपल आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका कैमरा ओपन हो गया, प्लस आपको साइड में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं साइड में, आप देख सकते हो। एक तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट है, उसके बाद आपको यहाँ पे गैलरी है। तो आपको करना क्या दोस्तों, आपको टेम्पलेट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेम्पलेट पे हम क्लिक कर देते हैं, तो टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बर्थडे वाले हैं, लव वाले हैं, एनिवर्सरी वाले हैं और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड वाले हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे टेम्पलेट यूज करना है आप यहाँ से कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो आपको करना क्या दोस्तों, कोई भी आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं ये वाला टेम्पलेट क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो तो ये टेम्पलेट है। उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे आपको कम से कम 6 इमेज लगाने या 4 इमेज लगाने, देख सकते हैं यहाँ पे इमेज 4 है। तो आप यहाँ पे यूज पे आपको क्लिक करना है, ये देखो यूज पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यूज पे क्लिक करने के बाद देखो हमारा गैलरी ओपन हो चुका है। तो गैलरी ओपन होने के बाद दोस्तों आपको ऊपर सबसे पहले एक ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना फोल्डर नजर आ जाएगा। तो जो भी आपको अपने फोल्डर से फोटो लेना है आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैं यहाँ से कुछ फोटो ले लेता हूँ, 4-5 फोटो ले लेता हूँ यहाँ से, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ से मैं 4-5 फोटो ले लेता हूँ, फटाफट अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने 4 फोटो ले लिया, उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको करना है कि आपको साइड में फिल्टर का आइकॉन दिख रहा है, तो आपको फिल्टर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, ये देखो यहाँ पे, और यहाँ से अपना फिल्टर कर सकते हो यहाँ पे। तो जो भी आपको यहाँ पे फिल्टर करना है आप यहाँ से अपने फोटो को फिल्टर कर सकते हो इस तरह का, ये देखो यहाँ पे इस तरह का फिल्टर है आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं बैक, उसके बाद बैक आ चुका, बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सॉन्ग मिल जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पे सॉन्ग चाहिए आप यहाँ से सॉन्ग ले सकते हो, प्लस आपको यहाँ पे सर्च का आइकॉन मिला तो आपको सर्च वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड सॉन्ग, तो दोस्तों यहाँ पे ऐड सॉन्ग है तो ऐड सॉन्ग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको सॉन्ग मिल जाएंगे, तो आप किसी भी कैटेगरी का आपको सॉन्ग चाहिए कैटेगरी का तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो आप किसी भी सॉन्ग को ले सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक सॉन्ग ले लेता हूँ, तो उसके बाद आपको करना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यूज पे क्लिक करना है, और यूज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका सॉन्ग आ चुका। उसके बाद आपको करना है कि आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना कर देना, उसके बाद ये आपका सॉन्ग ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका सॉन्ग। तो ये हमारा सॉन्ग ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको करना है कुछ नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्रिएट पोस्ट है, आपको क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस वीडियो को पोस्ट कर देना है। तो पोस्ट कर देना है, उसके बाद
तो दोस्तों यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद आपको करने का दोस्तों आपको यहाँ पे टाइटल लिख लेना है और हैशटैग लगा लेना है। उसके बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपका है तो यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आप पोस्ट करना चाहे तो पोस्ट कर सकते हो या प्राइवेट में आपको सेव करना है आप प्राइवेट में भी सेव कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस तरह कर सकते हो, वोको ऐप पे अपने फोटो का स्टेटस बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।